चैप्टर 25 एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हाइट एंड डिस्टेंस पेज नंबर 318 में हम लोग लास्ट क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। सिक्स नंबर, छः नंबर जो लास्ट में बचा हुआ था, यही एक पीस बचा हुआ था, इसको बनाकर एप्लीकेशन थोड़ा देख लीजिएगा। बोला छः नंबर, टू हाउस है, कितना घर है, दो घर है, स्टैंड खड़ा होना, दो घर खड़ा है जस्ट ऑन द अपोजिट साइड, दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़ा हुआ ऑफ अ रोड ऑफ आवर विलेज। हम लोग का गांव जो है बीच में रोड होगा, और रोड के दोनों साइड में क्या होगा, एक एक घर होगा। तो अ लेडर द स्टैंड अगेंस्ट द वॉल फॉर द फर्स्ट हाउस। मान लीजिए घर है, घर के ऊपर छत्ता है, छत्ता के ऊपर जाने के लिए सीढ़ी की जरूरत पड़ती है। तो अगर मान लीजिए सीढ़ी रखिएगा तो कैसे रखते हैं, सीढ़ी को खड़ा रखते हैं, सीढ़ी हमेशा तिरछा जाएगा इसे, तो ये जो ऐसे जाएगा तो ये एंगल कुछ ना कुछ तो बनाएगा ना। जैसे देख लीजिए वहाँ पे सीढ़ी कैसे गया हुआ, ऐसे गया हुआ तो कोना में एंगल बन जाएगा, एंगल कितना डिग्री का बनेगा। तो ठीक बोला, फर्स्ट हाउस इज द डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम दूसरा से हाउस, एंड मैक एंगल कितना डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है, कितना डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है, विद द कौन सा लाइन में, हॉरिजॉन्टल लाइन में, सीरीज हम लोग का देखिए कौन सा लाइन है, हॉरिजॉन्टल है। बट लेकिन इफ द लेडर स्टैंड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द सेकंड हाउसकीपिंग फुट, अब इसको जो है दूसरा वॉल पे, दूसरा दीवार पे जो सीरीज जीना को ऐसे के रखेंगे तो इसका पाँव कहाँ सटेगा, दूसरा वॉल के कोना में। तो कहने का मतलब है कि सेकंड वॉल जो है कीपिंग फुट ऑफ द सेम पॉइंट, इफ द एंगल कितना बना रहा है, वो 60 डिग्री बना रहा है, किस में बना रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन में बना रहा है। तो इसमें कहानी बोलने के बाद इसमें तरह तरह का क्वेश्चन पूछा है, तरह तरह का क्वेश्चन क्या पूछा, बाकी सब हम लोग बनाए थे। तो क्या बोला, हाइट निकालिए, क्या बोला, डिस्टेंस निकालिए, दूरी निकालिए, इसमें अलग अलग तरीके से पूछा और आपको अलग अलग तरीके से जवाब देना होगा। पहला बोला है लेट अस फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर, पहला बोला है कि लेडर का क्या है, लेंथ मालूम करिए, एक सवाल हुआ। दूसरा पूछा है लेट अस राइड कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस ऑफ द फुट एंड लेडर, यानी कि जहाँ पर से जो खड़ा हो रहा है वहाँ का लेडर के बीच का जो डिस्टेंस है, दूरी है, फ्रॉम द फुट ऑफ द वॉल ऑफ द सेकंड हाउस, ये जो घर है, एक घर है, ये घर, ये घर, इसके इस सेट से लेके सीढ़ी जीना यहाँ लगा ना सीढ़ी, तो ये दोनों के बीच का दूरी को मालूम करिए। तीसरा बोला लेट अस फाइंड द विड्थ ऑफ द रोड, और रोड की चौड़ाई मालूम करिए। चौथा बोला लेट द फाइंड द हाइट वियर द टॉप ऑफ द लेडर फिक्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ द सेकंड हाउस, आप हाइट मालूम करिए किसका, जो सीढ़ी जो जीना जो जा रहा है जहाँ पे लग रहा है उसका ऊंचाई वहाँ तक जहाँ पे जो टच कर रहा है, किसका, सेकंड का बोल रहा है। मान लीजिए बना दीजिए, ये ऐसे के किए, ये ऐसे किए, ये ऐसे किए, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये वाला हो गया अपोजिट में, एक दूसरे के अपोजिट में। अगर यहाँ से कोई देख रहा है ये पॉइंट पे, तो यहाँ पर से भी देखेगा तो यही पॉइंट पे देखेगा, मतलब कि अगर आप जीना लगाइएगा, सीढ़ी लगाइएगा, तो अभी एग्जांपल दिए थे ये घर है तो यहाँ पे सीढ़ी लगा हुआ है, इसे तिरछा आप चढ़ सकते हैं, यहीं पे सीढ़ी दूसरा भी यहीं पे लगा के इस सेट चढ़ सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब इसका यहाँ से हुआ तो कितना डिग्री बन रहा है, और इसका रहेगा तो कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो कहने का मतलब है कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो इसको दे दिए ए, इसको दे दिए बी, इसको दे दिए सी, इसको दे दिए डी, और ई जो पॉइंट है इसका क्या नाम है, ई। यहाँ पर से जीना, जीना मतलब समझ में आता, किसको बोला जाता है, दिल्ली में जीना को सीढ़ी बोला जाता है, ऐसे लेटर भी बोल सकते हैं, सीढ़ी भी बोल सकते हैं आम भाषा में। तो कहने का मतलब यहाँ पर से जो सीढ़ी को खड़ा कर रही है वाला, यहाँ पर से इस सर जो खड़ा कर रहे हैं, तो कहने का मतलब ये जो खड़ा हो रहा है ना, तो एंगल कुछ ना कुछ तो बनेगा, तो ये जो बन रहा है तो यहाँ पे कितना डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री, और यहाँ पे कितना डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री। तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा है, और सबका जवाब देना होगा, चार तरीके से पूछा, चार जवाब देना होगा। तो पहले आप ये लिख दीजिएगा, इसमें क्या लिखिएगा, ए बी, ए बी इज द हाइट ऑफ
ए बी इज द हाइट ऑफ फर्स्ट हाउस, ये देखिए ए बी है, ये ए बी है, तो ये ए बी जो है तो इसका क्या है हाइट, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिएगा, सी डी इज द हाइट ऑफ सेकेंड हाउस, ये वाला सी डी है, सी डी ये वाला हाउस, इसका हाइट कितना होगा ये भी नहीं पता। अब क्या है ए ए किसके बराबर है सी ई के, ये वाला देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ ई किसके बराबर है इसके बराबर है, ई किसके बराबर है इसके बराबर है, जब ई इसके बराबर है तो जितना वैल्यू इसका होगा उतना वैल्यू इसका हो जाएगा, जितना वैल्यू इसका होगा उतना वैल्यू इसका भी होगा। अगर आप एक निकाल रहे तो एक का वैल्यू पता चल जाएगा, ज़रूरी तो नहीं अलग अलग से निकालिएगा, क्योंकि अगर आप एक निकाल रहे हैं तो दूसरा वाला ऑलरेडी निकल जाएगा, इसलिए हम बोल दिए ए किसके बराबर है सी के, और किसके है लेंथ ऑफ लेडर, लंबाई मालूम करना, ठीक है। अगर एक का मालूम करिएगा तो दूसरा का खुद ब खुद पता चल जाएगा। उसके बाद एक नंबर में आइएगा, एक नंबर में देखिए क्या बोला, लेट अस फाइंड द लेंथ ऑफ लेडर, लेंथ मालूम करना, देखिए कैसे निकल। नंबर क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ए बी ई एंगल ई पे कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, यहाँ देखिए ए बी ई, ये देखिए ए बी ई कितना डिग्री 30 डिग्री बन रहा है, तो ये 30 डिग्री हो गया। तो यहाँ देखिएगा बी बाई एच, बी बाई एच बहुत बार याद किए थे, क्या था ये पी, ये क्या था बी, ये क्या था एच, तो हम लोग इसको निकाल लें वैल्यू, तो इससे इसको कंपेयर करेंगे, जब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ देखिए, तो बी बाई एच क्या होता है, बी बाई एच क्या होगा कॉस होगा, कितना डिग्री 30 डिग्री, तो कॉस 30 का वैल्यू कितना है रूट 3 बाय 2, और बी हो गया बी ई, और एच हो गया ए ई, एच हो गया क्या ए ई, तो कहने का मतलब ये है रूट 3 वैसी रहेगा 2 वैसी रहेगा, बी ई कितना दिया हुआ है, वह है 6 मीटर है, यहाँ पे बी कितना हो गया 6 हो गया, नीचे क्या होगा ए ई, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस कोना को इससे, इस कोना को इससे, तो नोटिस ये करिए, ये जो है ना ये रूट 3 वैसी ले रखेंगे, ये 2 रखेंगे, ये 6 है ना, तो 6 को ब्रेक करिए, 2 इंटू 3 में होगा, और ए ई लिखेंगे, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे रूट 3 है, तो रूट 3 हटाने के लिए कुछ तो करना होगा, तो ये हम बता दें क्या करना होगा, ई रूट 3 वैसे ही रहेगा, ई 2 वैसे ही रहेगा, ई 2 है इंटू, ये जो रूट 3 है ना, तो बचपन में आप सीखे होंगे कि रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होता है, 3 होता है, रूट 3 इंटू रूट 3 3 होता है, तो अगर हमको यहाँ पे ज़रूरत है तो रूट 3 का, तो हम लोग इसकी जगह पे क्या करेंगे, अपने से रूट 3 इंटू रूट 3 लिखेंगे, ये 6 को 2 हिस्सा में ब्रेक किए, 3 दुना 6 हुआ, ये 2 वैसे रहेगा, ई 3 को 2 हिस्सा में तोड़े, ई 3 का किए हैं रूट 3 अपने से लगाए, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो कहा आ जाएगा 3 ही आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक लगा है, तो कहने का मतलब ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये वाला रूट 3 से ये कट गया, अब ये दोनों तो कट गया, अब क्या करेंगे इसको ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको 2 इंटू 2 ये हो गया रूट 3, मतलब ए इज इक्वल टू आप बोल सकते 2 × 4 रूट 3, ये मीटर पहला हो गया, ये जो जीना का हुआ लेडर का हुआ ए कितना आ गया 4 रूट 3, एक आंसर आ गया।
कहने का मतलब है दो नंबर देखिएगा, दो नंबर में हम लोग को बोला है डी ई मालूम करने के लिए, क्या मालूम करने के लिए डी ई। तो लिखिएगा इन ट्रायंगल डी ई सी, यहाँ देखिएगा डी ई सी, ये जो डी ई सी हो रहा है मतलब डी ई बाय सी ई, डी बाय सी ई, ये डी ई बाय सी ई। तो इसको इससे करेंगे, जब इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, याद रखिएगा ये क्या था, पी था, ये पी था, ये बी था और ये एच था, तो एच बाय क्या हो गया बी, तो यानी कि डी ई बाय क्या हो जाएगा सी। तो डी ई बाय सी क्या होता, कॉस होता। पे लिखिएगा इन ट्राइंगल डी ई सी मतलब हो गया डी ई बाय सी ई, तो यानी कॉस कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री कितना होता है, 1/2 डी ई इज इक्वल टू सी ई का, अभी हम बोले थे कि बबुआ लोग ई इसके बराबर है, तो सी के ई किसके बराबर था, उसके बराबर, तो सी का वैल्यू अभी निकला था, कहाँ निकला था, 4√3 पुट कर देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको ये हो गया 2DE इज इक्वल टू 4√3, इसको इससे किए तो ये आया, इसको इससे किए तो ये आया, तो DE इज इक्वल टू क्या होगा, E इसके नीचे जाएगा, मतलब 4√3 बाय नीचे 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब DE इज इक्वल टू क्या होगा, 2√3, ये पहला हो गया, ये इसका आंसर आ गया, DE का आंसर ये आ गया 2√3 mt। फिर उसी तरीके से तीन नंबर बनाएंगे, अब तीन नंबर में बोला है बी डी निकालने के लिए, बी डी निकालने के लिए ये चौराहा ये वाला, तो ये वाला ऐसे निकालिए, देखिए निकालने के लिए कोई झमेला नहीं, इसका जो निकला हुआ आया है और इसका जो निकला हुआ आया, दोनों को ऐड कर दीजिए, भाई निकल गया। निकालने के लिए क्या करना होगा, बी डी मालूम करना है, ठीक है। तो बी डी इज इक्वल टू क्या होगा, डी ई प्लस ई बी, तो ई जो डी ई है कितना आया था, ये वाला आया था 2√3, और ई बी, बी ई कितना आया था, ये हम लोग का दिया हुआ था, ये कितना दिया हुआ था, 6 दिया हुआ था, हो गया ये प्लस 6, तो इसमें से कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लिए तो क्या आया, यहाँ यहाँ 2 आया, ये हो गया √3, ये प्लस हो गया 2 3 6, ये आपका हो गया बी डी। चार नंबर बोला लेट द फाइंड द हाइट वेयर द टॉप ऑफ द लेडर 6 अगेंस्ट द वॉल ऑफ द सेकेंड हाउस, इसमें क्या है, हाइट मालूम करना, देखिए यहाँ पे ये बोला है सी डी का हाइट, ये सी डी मालूम करने के लिए, देखिए ये हो गया चार नंबर, लास्ट है इसका, सी डी पूछा, सी डी नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, सी डी बाय क्या हो गया डी, और सी डी बाय डी क्या होता है, टेन होता है, कितना डिग्री दिया हुआ, 60 डिग्री दिया हुआ था, कितना डिग्री दिया होता, 60 डिग्री, तो टेन 60 कितना होता है, √3 इजिकल टू सी डी बाय डी का वैल्यू निकाले थे, कितना आया था, 2√3, इसके नीचे 1 छुपाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी डी इजिकल टू क्या हो जाएगा, 2√3 × √3, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3 होगा, ये इंटू 2 डी सी डी, सी डी इजिकल टू कितना हो जाएगा, डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि सी डी हो जाएगा 6, 3 × 2 = 6, ये आपका आंसर हो गया, मीटर में दे दीजिएगा।